वह है चिड़िया जो। केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई कविता के विषय में बात कर रहे हैं। सबसे पहले कवि के विषय में बात करेंगे। आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख कवि केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद से बीए तथा आगरा से कानून की पढ़ाई की थी। इन्हें नियमित कविता लिखने की प्रेरणा हरि औध जी से और रसाल जैसे कवियों की संगति के प्रभाव से प्राप्त हुई थी। नींद के बादल, युग की गंगा, लोक तथा आलोक इनके काव्य संग्रह हैं। कविता के विषय में बात कर रहे हैं। प्रस्तुत कविता एक नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया के विषय में है। यह चिड़िया झुंडी के दानों को रुचि से खाती है। यह मधुर स्वर में गाती हुई जंगल में इधर उधर उड़ती रहती है और यह नदी के जल को पी करके अपनी प्यास बुझा लेती है। इसके नीले पंख बहुत ही सुंदर हैं। इसे अनाज के दानों, जंगल, बाग, बगीचे और नदी से बहुत प्यार है। यह छोटी संतोषी लेकिन गर्वीली चिड़िया है। सप्रसंग व्याख्या कर रहे हैं। प्रथम स्टेंजा है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। प्रस्तुत पंक्तियाँ वसंत भाग एक की पाठ्य पुस्तक वह चिड़िया जो से ली गई है। इसके रचयिता श्री केदारनाथ अग्रवाल हैं। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि वह चिड़िया जिसके पंख नीले हैं, वह अपने चोंच से झुंडी यानी जवार के दूध भरे दाने रुचि से खाती है। जब दाने कच्चे होते हैं तो उनमें थोड़ा दूध जैसा तत्व पाया जाता है जो इस चिड़िया को बहुत ही मीठा लगता है, इसलिए इसे ये पसंद होता है। उसे इन दूध युक्त दानों का स्वाद बहुत पसंद आता है। यह चिड़िया छोटी और संतोष करने वाली है और इसलिए इसे ये अनाज के दाने अत्यंत प्रिय हैं। दूसरा स्टैंजा है, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंहबोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बिजन से प्यार बहुत है। कवि इन पंक्तियों में चिड़िया द्वारा मुक्त कंठ से मधुर स्वर में गाने तथा आकाश में मुक्त रूप से उड़ने का वर्णन कर रहा है। कवि कहता है कि वह चिड़िया मुक्त कंठ से बहुत ही मधुर स्वर में गायन करती है, जिसके कारण जंगल में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं। वह छोटी सी मुंह बोली चिड़िया है जिसके पंख नीले हैं, वह आसमान में मधुर गीत गाते हुए स्वतंत्र रूप से उड़ती है। उसे एकांत से प्यार है, अर्थात उसे स्वतंत्रता से भी बहुत लगाव है। तीसरा स्टेंजा है, वह चिड़िया जो चंचौच मार कर जड़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इन पंक्तियों में छोटी गर्वीली चिड़िया के द्वारा नदी का जल पीने अर्थात स्वतंत्रता से खाने पीने का वर्णन कवि जी ने किया है। कवि कहता है कि चिड़िया अपनी चोंच से उस नदी का पानी लाती है जिसमें जल किनारों तक भरा हुआ है, उस अथाह जल राशि से जल का मोती ले आती है। अर्थात जल यहाँ पर कैसा बताया है, अनमोल बताया है, अमूल्य बताया है, क्योंकि उससे चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है। चिड़िया नदी में अथाह जल राशि का अनुमान भी लगाती है। वह छोटी तथा गर्व करने वाली चिड़िया है क्योंकि उसके नीले पंख बहुत ही सुंदर हैं। चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है, अर्थात वह बहती नदी का पानी स्वतंत्रता पूर्वक पीना चाहती है। इसका प्रश्न है, कविता पढ़कर आपके मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाइए। उत्तर लिखेंगे, कविता पढ़कर हमारे मन में ये चित्र आते हैं, चिड़िया का आकार छोटा है,
वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है। चिड़िया मधु